हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रुप थ्योरी के पहले वीडियो में हम लोगों ने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कब होता है और ग्रुप के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमने बताई कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप होता है जब वो चार प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी इनवर्स। एक चीज हम लोगों ने ये भी प्रूव की थी कि किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है, मतलब अगर किसी ग्रुप में दो आइडेंटिटी ली जाए तो दोनों आपस में बराबर होती है, मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है। अभी एक हमारे पास थ्योरम हम लोग करने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट और बहुत पूछी भी जाती है, कैंसिलेशन लॉज क्या होता है, किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, जरा इसको जाने। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ जो ग्रुप में होता है, कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन ए ग्रुप, कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन ए ग्रुप क्या होता है, जरा कैंसिलेशन लॉज ये जाने। होल्ड इन ए ग्रुप ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही आसानी से इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। हम लोगों ने क्या किया कि इफ जी इज ए ग्रुप, जी इज ए ग्रुप, एक हमने ग्रुप लिया, ये कोई ग्रुप लिया, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जी, बहुत आसान सी बात है बच्चों। एक कोई ग्रुप है और उस ग्रुप को तीन एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, आप चाहो तो ए बी सी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड है जो जी को बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई बराबर एक्स जेड, अगर हम x इंटू वाई का प्रोडक्ट x इंटू जेड के बराबर लेके चलें, एक्स वाई बराबर एक्स जेड लेके चलें, ये देखिए ये x इंटू वाई कर रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। सबसे पहली बात, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट हो रहा तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यहां से भी बात पता चल रही है। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड लेके चलें तो x, ये जो हमारे पास लेफ्ट में ये x हट जाता है, दिस इंप्लाइज y is equals to z, y बराबर z आ जाता है। This is called x, देखो बच्चों लेफ्ट में लेफ्ट से हटा, this is called left cancellation law, इसे हम लोग left cancellation law कहते हैं, ठीक है। एक चीज ये होगी, ये हमारा left cancellation law है। एक और, एक्स वाई बराबर अगर हम एक्स जेड लेके चले तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू जेड हुआ, इफ वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स लेके चले, वाई एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स लेके चले तो तब भी वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आएगा। दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ, इसे हम राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। राइट कैंसिलेशन लॉ से कहते हैं। अब देखिए हमारा राइट से एक्स एक्स हट गया है, y इज इक्वल टू जेड आया, दैट इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ। अब इसे प्रूव करना है कि किसी ग्रुप में तीन एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बहुत इजीली समझ में आना चाहिए, और कैंसिलेशन लॉ के लिए तीन एलिमेंट चाहिए और एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर एक्स जेड के इक्वल है तो लेफ्ट से एक्स एक्स हटता है, वाई इज इक्वल टू जेड, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, और वाई एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स है तो राइट से एक्स एक्स हटेगा, वाई इज इक्वल टू जेड आएगा, दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ। इसको प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब एक बात देखिए, सबसे पहले बहुत इजिली इसको हम प्रूव करेंगे, आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि कैसे वहां तक का पहुंचा जाए। G इज ए ग्रुप, ये गिवन है, G एक ग्रुप है, ध्यान से समझेंगे। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू G दिया गया है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड है तो हमें Y इज इक्वल टू जेड प्रूव करना है, ध्यान से सुनिए। कैसे हम वहां तक पहुंच रहे हैं, अब ऐसा भी कर सकते थे ए बी बराबर ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी, कैसे जाएंगे, हमें शुरू से एक्स हटाना है, एक्स हटाना है, ध्यान सुनेंगे।
एक्स बिलोंग टू जी, एक्स अगर जी को बिलोंग कर रहा है बच्चों, एक्स जी का मेंबर है, देन एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी, मतलब अगर कोई एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यह मल्टीप्लिकेशन पे है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। एक्स का इनवर्स भी जी को बिलोंग कर रहा है। एक्स का इनवर्स किस प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है? अगर एक्स जी को बिलोंग कर रहा तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी से उसको बिलोंग करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर एक्स जी को बिलोंग कर रहा है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से ये जी का मेंबर होगा। मतलब एक्स जी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स इनवर्स भी जी में होगा। हमने क्या किया, अब प्री मल्टीप्लाइंग इसको प्री मल्टीप्लाइंग वन बाई एक्स इनवर्स, ये जो वन है इसको हमने एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। जब इसको प्री मल्टीप्लाई किया तो एक्स इनवर्स इंटू एक्स वाई, जब किसी चीज में पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो उसे प्री मल्टीप्लाई कहते हैं और बाद में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स जेड। अब बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स इंटू जेड। चूंकि जी ग्रुप है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट की शिफ्टिंग हो जाती है। अगर कोई ग्रुप होता है ए इंटू बी इंटू सी तो ए बी इंटू सी हो जाता है, ब्रैकेट की शिफ्टिंग से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट शिफ्ट हो जाता है। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग और जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो जी का मेंबर है उसका इनवर्स और उस एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी इंटू वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू जेड, बिकॉज यहां पर लिख भी देते हैं, सब छोटी छोटी बातें लिखते चलिए। एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई, एलिमेंट का इनवर्स इंटू एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है, ई इंटू वाई हो गया। अब एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि आइडेंटिटी में किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट करें तो वही एलिमेंट होता है, दैट इज वाई। आइडेंटिटी में किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट करें तो वही एलिमेंट होता है, वाई इज इक्वल टू जेड। दूसरी बात, किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है, इसलिए एक ही आइडेंटिटी हुई। और आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट होता है, वाई इज इक्वल टू जेड हो गया। हम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड लेके चले और हमारा वाई इज इक्वल टू जेड हो गया, मतलब एक्स हटा वाई इज इक्वल टू जेड हो गया। बहुत अच्छे टेक्निक से इसको हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे एक्स को हटाना था, एक्स अगर जी का मेंबर था ग्रुप को बिलोंग कर रहा था तो उसका इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से। हमने एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया बिकॉज एक्स को हटाना है, एक्स इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फर्दर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट की शिफ्टिंग हो गई। किसी एलिमेंट का इनवर्स इंटू एलिमेंट आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू जेड। आप जान रहे हो आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट होता है और दोनों आइडेंटिटी सेम ही होगी क्योंकि ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट, वाई इज इक्वल टू जेड, दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये हमारा जो है दैट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब इसी तरह हम राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए जा रहे हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए जा रहे हैं। जरा राइट कैंसिलेशन लॉ देख लीजिए जरा कैसे करेंगे, बहुत इजीली इसको भी करेंगे। नाउ इफ वाई जेड इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स, ये लेके चल रहे हैं इसको सेकेंड ले लें। एक्स चूंकि जी को बिलोंग कर रहा था तो चूंकि कोई एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहा तो उसका इनवर्स भी ग्रुप को बिलोंग करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अभी पीछे बता चुके हैं। अब हमें एक्स बाद में हटाना है तो हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं। अगर बाद में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग। अब हमने येलो लेके चल रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग सेकेंड, इसको सेकेंड मान लिया है, सेकेंड
बाय एक्स इनवर्स, इसको एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आया कितना वाई एक्स इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू जेड एक्स इंटू एक्स इनवर्स, हमारे पास ये रहा। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से एक्स इनवर्स जी को बिलोंग करेगा, शुरू में मैंने लिखा भी था। अब यहाँ पे चूंकि ये ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट की शिफ्टिंग हो जाएगी, वाई एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू जेड एक्स एक्स इनवर्स। हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्स इनवर्स एलिमेंट इंटू इनवर्स आइडेंटिटी होता है, और ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। तो हम इसकी जगह y into x x inverse e, z into x x inverse e, y into e, y is equals to z हो गया, y is equals to z हो गया। तो yx is equals to zx लेके चल रहे थे, x right में हटा, that is called right cancellation law, इसे हम right cancellation law कहेंगे। तो बच्चों बहुत important बात है कि हमारे पास LCL RCL प्रूव हो गया। LCL RCL प्रूव करने के लिए तीन एलिमेंट कोई ग्रुप के ले लें, XY इज इक्वल्स टू अगर XZ है तो X लेफ्ट से हटता है, इसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, YZ आ जाता है। YX इज इक्वल्स टू ZX है, X राइट से हटता है, Y इज इक्वल्स टू Z आ जाता है, दैट इज राइट कैंसिलेशन लॉ। हम पहले इसको लेके चले थे, ये प्रूव किया, फिर इसको लेके चले तो ये प्रूव किया, तो दो कैंसिलेशन लॉज हम लोगों ने प्रूव कर लिए, एक पहला लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, दूसरा राइट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों, इन ए ग्रुप जी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। एक कोई ग्रुप है, किसी भी ऑपरेशन पे ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे, प्लस पे, कोई ग्रुप है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा, मतलब जो ग्रुप का मेंबर है, उसका इनवर्स यूनिक होता है। मतलब हम कोई एक एलिमेंट ले लें जो ग्रुप को बिलोंग करे, उसके दो अलग अलग इनवर्सेस लें और ये प्रूव करके दिखा दें कि दोनों इनवर्सेस आपस में इक्वल होते हैं। इसके लिए कर क्या रहे, लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी, हमने कोई एलिमेंट ले लिया एक्स जो जी को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप का मेंबर है, ध्यान से सुनेंगे। एंड इफ पॉसिबल इनवर्सेस, एंड इफ पॉसिबल इनवर्सेस, अगर इनके बी वाई एंड जेड, इफ पॉसिबल इनवर्सेस बी वाई एंड जेड ऑफ एक्स, हमने ये माना कि इस x के जो पॉसिबल इनवर्सेज हैं वो y और z हैं, दो पॉसिबल इनवर्सेज। वी हैव टू शो दैट y इज इक्वल टू z, y इक्वल टू z हमें प्रूव करना है। हमने दो पॉसिबल इनवर्सेज y और z लिए हैं और हमें ये दिखाना है कि y और z आपस में सेम है, ठीक है। इफ y इज द इनवर्स ऑफ x, y इज द इनवर्स ऑफ x, अगर y x का इनवर्स है, दैट इज अगर हम x इंटू y करें, मतलब x को उस y से मल्टीप्लाई करें, तो एलिमेंट इंटू उसका इनवर्स आइडेंटिटी होता है और इनवर्स इंटू एलिमेंट भी आइडेंटिटी होता है। अगर y x का इनवर्स है तो इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि एलिमेंट इंटू उसका इनवर्स आइडेंटिटी या इनवर्स इंटू एलिमेंट आइडेंटिटी। इसी तरह अगर हम लें, इफ z इज द इनवर्स ऑफ x, अब हमने दूसरे केस में z इनवर्स ले लिया है x का, तो x इंटू z इज इक्वल्स टू e इज इक्वल्स टू z इंटू x, ये सेकेंड हो गई। मतलब x इंटू उसका इनवर्स, अगर z हमने दो इनवर्सेज लिए हैं, वो इनवर्सेज y और z लिए हैं, x के दो इनवर्सेज y और z लिए, हमें ये प्रूव करना है कि वो दोनों इनवर्सेज आपस में सेम हैं। तो x इंटू z, x का इनवर्स अगर z है तो x इंटू z आइडेंटिटी होगी या z इंटू x भी आइडेंटिटी होगी। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड हो गया, क्योंकि ये e के इक्वल है,
एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, हमने x के दो इनवर्स y और z लिए थे, दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। कहने का मीनिंग यह है कि एक एलिमेंट का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। अब यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड हो गया, बाई एल सी एल लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एक्स एक्स हटा, वाई इज इक्वल टू जेड, एक चीज ही आ गई। हमने दो इनवर्स लिए थे y और z x के, और y और z बराबर आ गए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे yx equals to zx करें तो यहाँ पे भी by RCL right cancellation law से x x हटेगा, y is equals to z आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट x था, उसके दो इनवर्स हमने ग्रुप में लिए थे y और z, तो हम ये दिखा पा रहे हैं कि उस एलिमेंट के दोनों इनवर्सेज आपस में सेम होते हैं। एक बार हमने एलसीएल लगाया है और एक बार हमने आरसीएल जो पीछे प्रूव कर चुके हैं इतना लगाया है। तो किसी भी एलिमेंट के जो इनवर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स होता है ग्रुप में। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों, इन ए ग्रुप जी इफ इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स इनवर्स, अगर ग्रुप जी में कोई एलिमेंट एक्स है जो जी का मेंबर है उसका इनवर्स एक्स इनवर्स है, एक्स का इनवर्स एक्स इनवर्स है, देन एक्स इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू एक्स। मतलब क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट, कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है। मतलब किसी ग्रुप जी में किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स इट्सेल्फ होता है, इट्सेल्फ का मतलब एक्स होता है। हमने ये लिया कि अगर इफ एक्स बिलोंग टू जी, एक्स अगर जी को बिलोंग कर रहा, एक्स कोई ग्रुप को बिलोंग कर रहा, देन एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी, एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल है, एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। हमें प्रूव करना है कि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, इटसेल्फ होता है। जैसे ए होता तो ए के इनवर्स का इनवर्स वही प्रूव करना है। एक्स जी को बिलोंग कर रहा, एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, किस प्रॉपर्टी से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से ये जी को बिलोंग करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, ग्रुप की एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी से ये बिलोंग करेगा। अब देखिए, नाउ देन एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी, नाउ एक्स इनवर्स इनटू एक्स अगर करें तो ये आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि किसी एलिमेंट का इनवर्स इनटू वो एलिमेंट आइडेंटिटी होता है। इनवर्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि उस एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट का इनवर्स इनटू एलिमेंट आइडेंटिटी होती है। अब बच्चे जरा देखो, अगर एक्स जी को बिलोंग कर रहा है, एक्स इनवर्स यहाँ पे देखिए, एक्स इनवर्स अगर जी को बिलोंग कर रहा, अब आप एक्स इनवर्स को एलिमेंट मानो, अगर ये एलिमेंट जी का मेंबर है, चूंकि जी ग्रुप है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से इस एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, बिकॉज एक्स इनवर्स जी का मेंबर है, ये इनवर्स है, तो ये एक्स इनवर्स अगर जी को बिलोंग कर रहा, ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी जी का मेंबर होगा, जी को बिलोंग करेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग वन बाय एक्स इनवर्स का इनवर्स, इसको एक्स इनवर्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, आया कितना, x इनवर्स का इनवर्स इनटू x इनवर्स इनटू x इज इक्वल्स टू x इनवर्स का इनवर्स इनटू e। अब हमने इसको x इनवर्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया है, अब इसको मैं लिख सकता हूं x इनवर्स का इनवर्स इनटू x इनवर्स इतना। ये हमने क्या किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट की शिफ्टिंग कर दी है, x इनवर्स का इनवर्स इनटू x इनवर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a इनटू b इनटू c ग्रुप चुकी है, तो ब्रैकेट शिफ्टिंग हो गई, x इज इक्वल्स टू किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स, ये कोई एलिमेंट है और आइडेंटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी, एलिमेंट होता है,
एक्स इनवर्स का इनवर्स हो गया। अब देखिए ये एलिमेंट है पूरा एक्स इनवर्स और ये उस एलिमेंट का इनवर्स है, एलिमेंट इनटू एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी इनटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स का इनवर्स, आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट, देखिए फिर से एलिमेंट इनटू ये एलिमेंट है, एलिमेंट इनटू एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। अब यहाँ पे एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट, अब यहाँ पे आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट एलिमेंट एक्स आया इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स का इनवर्स हो गया। कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट के ग्रुप में किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स इटसेल्फ होता है। ए अगर ए है, ए के इनवर्स का इनवर्स वही होगा, किसी भी ग्रुप में एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, दैट इज एक्स इनवर्स का इनवर्स जो है ये वही एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट बात ये है, चाहते तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, उस तरह से भी ले सकते थे। अब उसमें जो हमने प्री मल्टीप्लाई किया उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करके इतना हम लोग दिखा सकते थे। तो किसी भी ग्रुप में एलिमेंट के इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो इटसेल्फ होता है, वो वही एलिमेंट होता है। नेक्स्ट रूल बच्चों रिवर्सल रूल है। किसी भी ग्रुप के लिए जो रिवर्सल रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रिवर्सल रूल कहता क्या पहले इसको जाने। अगर कोई ग्रुप है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई स्टार भी ले सकते हैं, कोई ऑपरेशन जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई ग्रुप है कोई ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइन है, तो अगर दो एलिमेंट एक्स वाई जो ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई का इनवर्स अगर किया जाए, एक्स वाई के प्रोडक्ट का होल इनवर्स किया जाए, तो ये रिवर्स से उनके इनवर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। दैट इज एक्स वाई का इनवर्स इज इक्वल टू वाई का इनवर्स इनटू एक्स इनवर्स होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रिवर्स से वाई और एक्स का, वाई का इनवर्स लिया जाए और एक्स का इनवर्स लिया जाए, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरी बात, जहां पे एक्स वाई जी के मेंबर है इसको हम लोग रिवर्सल रूल कहते हैं। अगर इसी तरह सी डी का इनवर्स हो जाए तो डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स होगा किसी भी ग्रुप में, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल रूल। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जरा ध्यान से सुनेंगे, इसका जरा प्रूफ करते हैं कैसे वहां तक चाहिए। हमने सबसे पहले ये लिया कि एक्स वाई अगर दो एलिमेंट है जो जी को बिलोंग कर रहा है, एक्स अगर जी को बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई एक्स को वाई अगर जी को बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है देन एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा और वाई इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स वाई ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप है, तो ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, इनका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स ये भी जी को बिलोंग करेगा बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि इनवर्स की प्रॉपर्टी से अगर एक्स वाई जी को बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स वाई का इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। अब थोड़ा सा चालाकी करने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से सुनिए तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा। हमें बच्चों एक्स वाई का होल इनवर्स वाई इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स लाना है, बस मेन बात तो यही सीखना है कि कैसे वहां तक का पहुंच रहे हैं। हम एक एक्सप्रेशन ये सॉल्व करने जा रहे हैं, आप लोग जरा इस बात को पहले समझ लें, फिर सॉल्व करने में भी बहुत आसानी होगी। एक एक्सप्रेशन अगर हम एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स ये सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर हम इसका और इसका प्रोडक्ट अगर हम आइडेंटिटी प्रूव कर दें, तो एक एलिमेंट और इसका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है, साथ में इसका और इसका प्रोडक्ट इधर से लेके करें वो भी आइडेंटिटी प्रूव कर दें, तो हम एक कॉन्क्लूजन दे पाएंगे कि इस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा, तभी तो उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगा। फिर से थोड़ा समझिए, हमें एक्स वाई का इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स लाना है, तो हम ये अगर
इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी प्रूव कर दे, कहने का मतलब यह है कि मैं अगर एक्स वाई और वाई इनवर्स एक्स इनवर्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी प्रूव कर देता हूं, वेयर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसी को इसके बराबर भी अगर इसके इक्वल भी प्रूव कर देता हूं, तो हम यहां से यह कह सकते हैं कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, इसका इसका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स ये रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है इस एलिमेंट का इनवर्स ये रहा होगा, तभी ये आइडेंटिटी आया होगा, ये इसका इनवर्स रहा होगा, ये इधर राइट में राइट इनवर्स, लेफ्ट में लेफ्ट इनवर्स कहलाएगा इधर, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमने मेन मकसद अपना यहां से बनाया कि हम ये लेके चले, दिस यही से सब कुछ देख देख के समझ में भी आ जाता है कि इसका और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी प्रूव करेंगे और इसी को इसके बराबर प्रूव कर देंगे, तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये रहा होगा तभी आइडेंटिटी आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये रहा होगा तो आइडेंटिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। अगर दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का इनवर्स किया जाए तो रिवर्स से उनके इनवर्स के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताया कि कैसे करना है। नाउ एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स निकालने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, ब्रैकेट की शिफ्टिंग हो जाती है, मतलब ये यहां रुका और ये दोनों एक पास आया इंटू एक्स इनवर्स। एक चीज हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई वाई इनवर्स एलिमेंट इंटू, और सारी प्रॉपर्टीज लिखते चले जो जो यूज कर रहे हैं, बहुत चेक करने में भी एग्जामिनर को बहुत आसानी होती है और आपके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं इस तरह से। वाई वाई इनवर्स आइडेंटिटी इंटू एक्स इनवर्स, ये हमारे पास इतना हो गया। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये हो गई कि आइडेंटिटी इंटू एक्स इनवर्स यहां पर क्या हुआ, एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट, तो एक्स इंटू एलिमेंट यहां पे आया, एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एलिमेंट इंटू इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी। इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन दे दी, एलिमेंट इंटू उसका इनवर्स आइडेंटिटी होता है बिल्कुल इजिली। नाउ अब हमने यहां पे क्या किया बच्चों, यहां पे हमने अब y इनवर्स x इनवर्स इंटू एक्स वाई निकालना शुरू किया। एक बार इसको इसका प्रोडक्ट ही दिखा रहे हैं, एक बार इसका इसका प्रोडक्ट ही दिखाएंगे, फर्दर दोनों को देखेंगे और दोनों को e के बराबर प्रूव करने के बाद फिर एक्स वाई का होल इनवर्स x इनवर्स y इनवर्स x इनवर्स कर लेंगे, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगा। इसको फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से y इनवर्स x इनवर्स x इनटू y लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लगा लिया, एसोसिएटिव से हम ये लिख सकते हैं, यहां पे फिर y इनवर्स इनटू x e हो गया, e इनटू y हो गया, दैट इज y इनवर्स e y हो गया, y इनवर्स इनटू e y, y इनवर्स इनटू e y, इसको हम आइडेंटिटी इंटू वाई वाई एलिमेंट रहा, वाई इनवर्स इंटू वाई ई हो गया। अब यहाँ पे बच्चों आया वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई, दिस इज सेकंड। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड से बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड से एक्स वाई इंटू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स ये इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इंटू एक्स वाई आ रहा है।
कहने का मतलब ये कह सकते हैं दिस इंटू दिस आइडेंटिटी, दिस इंटू दिस आइडेंटिटी, मतलब इस एक्स वाई का इनवर्स ये है तभी आइडेंटिटी आ रहा, इस एक्स वाई का इनवर्स ये है तभी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा, राइट में तो राइट इनवर्स, इधर लेफ्ट में तो लेफ्ट इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, इतना इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई का इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स है, दैट इज एक्स वाई का होल ऑफ एक्स वाई का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए ऊपर इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, हमारे पास ये रहा, यही हमारे पास दिस इज रिवर्सल लॉ, इस लॉ को रिवर्सल लॉ कहते हैं, ये प्रोडक्ट पे हमारे पास एप्लीकेबल होता है रिवर्सल लॉ। अगर हम एक्स वाई का प्रोडक्ट का इनवर्स करें तो वाई इनवर्स इनटू एक्स इनवर्स हो जाएगा, या कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लें। अब देखिए अगर एक्स वाई के प्रोडक्ट का इनवर्स करेंगे तो रिवर्स से वाई का इनवर्स हो जाएगा और एक्स का इनवर्स हो जाएगा, दिस लॉ इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट इन ए ग्रुप इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट ए जी को बिलोंग कर रहा है, जी कोई हमारे पास ग्रुप है और उसका स्क्वायर उसी के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है क्योंकि ए का स्क्वायर कर रहे हैं, ए इंटू ए करने पे ए का स्क्वायर आया होगा, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ऐसे भी पता चल रहा, देन ए बराबर आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इफ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, इस तरह से ले सकते हैं, ये एक अगर ग्रुप हम ले लें और इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए जी को बिलोंग करेगा, ए ग्रुप का मेंबर है, तो उसने कहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए कहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ये गिवन है, हमें ए इज इक्वल टू ई प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों ए स्क्वायर को ए इंटू ए इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, इसको वन दे दें। इफ ए बिलोंग्स टू जी, अब थोड़ा ध्यान दें ए बिलोंग टू जी, देखिए अलजेब्रा में सिर्फ लिखने का अच्छे से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं एक एक बात का मतलब है, अच्छे से आपको लिखने के ही मार्क्स होते हैं और इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की भी जरूरत है, छोटी छोटी बातें। ए बिलोंग टू जी देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से हुआ, अगर ए जी को बिलोंग कर रहा तो उसका इनवर्स भी जी का मेंबर होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, क्योंकि अगर एलिमेंट जी को बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स भी ग्रुप का मेंबर होगा। अब हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग वन बाई प्री मल्टीप्लाइंग वन बाई ए इनवर्स, ये जो हमारे पास है ये पहली क्वेश्चन, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई होता है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स इंटू एलिमेंट आइडेंटिटी होता है, दैट इज आइडेंटिटी इंटू ए, इधर ए इनवर्स इंटू ए ई हो गया, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट होता है, दैट इज ए इज इक्वल टू ई हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि ए इज इक्वल टू कितना ई के इक्वल प्रूव करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जी अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप था, ए अगर ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, हमें सिर्फ ए लाना है, ऐसे भी दिमाग लगाया है, इधर से ए हटाना है, तो मैंने ए चूंकि ग्रुप को बिलोंग कर रहा था, ए इनवर्स भी ग्रुप को बिलोंग करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, इसको हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स से, चूंकि ग्रुप है इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, ये इधर आ गया इनटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, अगर किसी कोई एलिमेंट ए इनवर्स जी को बिलोंग कर रहा तो एलिमेंट का इनवर्स इनटू एलिमेंट आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी इनटू ए एलिमेंट का इनवर्स इनटू एलिमेंट आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट एलिमेंट ए इज इक्वल टू ई,
यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी ग्रुप में अगर ए स्क्वायर ए है देन ए की वैल्यू ई के इक्वल होती है, मतलब वो एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरम है एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। मतलब किसी भी ग्रुप में कोई ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है चार प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा, हर एलिमेंट का इनवर्स वही है। प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स किया जाए तो इट्स वही है, देन जी इज अबेलियन। ग्रुप ऑलरेडी है, कोई ग्रुप अबेलियन तब होता है जो वो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, कॉमुटेटिव ए बी इज इक्वल टू बी होता है। बहुत सिंपल सी बात है, जरा देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। ये सपोज करें कि इफ जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप, ठीक, ये कोई ग्रुप है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, बी आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब बच्चों ये है कि ए बी को चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, सी डी ले लो तो कोई भी ए बी हो सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं। ए बी बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब चेंज कर सकते हैं। और एक बात और, अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमने दो ही एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि अबेलियन ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है या एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, तो उसके लिए हमें दो एलिमेंट तो लेने ही पड़ेंगे। तो जब तक दो एलिमेंट नहीं लेंगे हम अबेलियन नहीं कर पाएंगे। तो यहां से ये भी चीजें सीखते चलेंगे कि दो ही क्यों ले रहे हैं, ए बी जी को बिलोंग कर रहा है। साथ में उसने कहा है सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, इसका मीनिंग क्या है कि इस एलिमेंट का इनवर्स वही है। वो वही कह रहा है कि जी इज इट्स ओन इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स वही, बी का इनवर्स भी वही है, बी का इनवर्स भी बी ही है गिवन अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हर एलिमेंट जो जी को बिलोंग कर रहा है उसका इनवर्स वही है। अब अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा है, अगर ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, अगर ए बी जी को बिलोंग कर रहा है तो ए बी का, दरअसल मुझे ए बी इज इक्वल टू बी ए लाना है, तो ए बी का प्रोडक्ट क्या जी को बिलोंग करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी जी को बिलोंग कर रहा तो ए बी का प्रोडक्ट भी जी को बिलोंग करेगा। किस प्रॉपर्टी से? क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी ग्रुप को बिलोंग करेगा विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी से इतना होगा। एक बात इंपॉर्टेंट ये, दूसरी बात अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए बी होगा। कहने लगे ये कैसे होगा भाई, वही तो कह रहा था क्वेश्चन कि हर एलिमेंट जो ग्रुप का मेंबर है वो अपने का ही इनवर्स है, मतलब उसका इनवर्स वही है। अगर ए बी जी को बिलोंग करे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी का प्रोडक्ट भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है ए जी का मेंबर बी जे का मेंबर, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ए इंटू बी भी जी का मेंबर होगा। अब ए जब जी का मेंबर था तो ए का इनवर्स ए था, ये उसने कहा था, बी जी का मेंबर था तो बी का इनवर्स बी था, उसने कहा था। अगर ए बी जी का मेंबर है मतलब ए बी जी को बिलोंग कर रहा है तो ए बी का इनवर्स वही होगा, क्योंकि ये गिवन है। अब चलिए ए बी का इनवर्स ए बी है, ये भी गिवन है, वन ले लीजिए। अब हम क्या करें, एक हमने अभी जस्ट लॉ पढ़ा यूजिंग रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ से बच्चों, रिवर्सल लॉ अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं ए बी का होल इनवर्स करूं तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा रिवर्सल लॉ से। ए बी का जैसे एक्स वाई का इनवर्स करते तो वाई इनवर्स एक्स इनवर्स होता, ए बी का इनवर्स करूंगा तो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। पुटिंग इन फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट में उठा के पुट किया, रिवर्सल लॉ से इसको हमने फर्स्ट में पुट किया, फर्स्ट में पुट किया तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया, और सॉरी इसकी जगह ए बी का इनवर्स, ठीक है, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहां से यूजिंग हमारे पास रिजल्ट है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए है, ये यूज कर सकते हैं, बी इनवर्स बी है, ये यूज कर सकते हैं, तो बी इनवर्स की जगह बी, ए इनवर्स की जगह ए इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज ए बी जो आया ये बी ए के बराबर आया। अब ए भी बच्चों अगर बी ए के बराबर आ रहा है किसी
ग्रुप में अगर ए बी बी ए के बराबर आ रहा है तो ए बी अगर बी ए के बराबर आ रहा है तो ग्रुप क्या है, अबेलियन है, बिकॉज कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है जो कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है, दैट इज जी इज जो ग्रुप है वो आपका अबेलियन है क्योंकि ए बी बी ए के इक्वल आ गया। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, अगर आपको ध्यान रहे तो बहुत इजिली प्रॉब्लम्स को हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अ ग्रुप जी इज कॉमुटेटिव। कोई ग्रुप कॉमुटेटिव है, कॉमुटेटिव मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इफ एंड ओनली मतलब दो पार्ट यहाँ पे प्रूव करने हैं, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई ग्रुप कॉमुटेटिव है तो एक बार हमें ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है, और दूसरी बात अगर ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स है तो हमें ग्रुप को कॉमुटेटिव मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इफ पार्ट लेके चलें, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, मतलब दो पार्ट, एक बार ये दिया हुआ है तो ये प्रूव करना है दिस इज इफ, और एक बार ये लेके चलें तो जी को कॉमुटेटिव प्रूव करें दैट इज ओनली। इफ पार्ट क्या है, जी इज कॉमुटेटिव, अगर जी कॉमुटेटिव है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जी कॉमुटेटिव है देन ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा कॉमुटेटिव होने से, और एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ये कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हमें ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, तो ए बी का इनवर्स हम लेके चलें, ए बी का इनवर्स लेके चलें, तो यहां से देख सकते हैं ए बी का इनवर्स हमारे पास, हमें ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स प्रूव करना है, दैट इज ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, बी ए का होल इनवर्स, यहाँ पे मैंने यूज क्या कर लिया, ए बी इज इक्वल टू बी ए यूज कर लिया। यहाँ पे आया ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू इस बी ए का होल इनवर्स को हम ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं बाई रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ आपको पता है, अभी बताया भी है, रिवर्सल लॉ जो होता है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू इधर रिवर्स से इनवर्स होके प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो गया, तो पहला पार्ट तो ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल था बच्चों, जी कॉमुटेटिव था मतलब ए बी बी ए है, अब मुझे इसका इनवर्स ये लाना है तो इसका इनवर्स हम लेके चले, ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास गिवन है बिकॉज जी कॉमुटेटिव है, ए बी की जगह बी ए लिखा, बी ए का इनवर्स रिवर्सल लॉ से ये ए इनवर्स बी इनवर्स हो गया, मतलब ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो गया पहला पार्ट। दूसरा जरा यहाँ पे ओनली इफ लेके चले, ओनली इफ क्या है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हमारे पास इतना है। अब ये लेके चल रहे हैं, हमें जी को कॉमुटेटिव दिखाना है, यहाँ पे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को बी ए का होल ऑफ इनवर्स लिख सकते हैं, इसको रिवर्सल लॉ से बी ए ये गिवन है जी को कॉमुटेटिव दिखाना है। बच्चों ध्यान से सुनो, इसको बी ए का होल इनवर्स लिख सकते हैं, रिवर्सल लॉ से ये ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स हो जाएगा बाई रिवर्सल लॉ, ए बी ए का इनवर्स इज इक्वल टू रिवर्स से ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स बाई रिवर्सल लॉ। अब यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बाई रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ से हम लोग इतना लिख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ए बी के इनवर्स का इनवर्स किया, और यहाँ पे भी मैंने बी ए के इनवर्स का इनवर्स किया, दोनों तरफ इनवर्स का इनवर्स लगाया। हम लोगों ने एक थ्योरम पीछे भी किया कि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, तो इस एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स यही एलिमेंट होगा, यहाँ भी इस एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स यही एलिमेंट होगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए आएगा, बिकॉज किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स इटसेल्फ होता है, तो एलिमेंट के इनवर्स इटसेल्फ है, एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स इटसेल्फ है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। तो बिल्कुल इजीली हम इस थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं कि ए बी बराबर बी ए हो चुका है।
उम्मीद करते हैं बच्चों इस लेक्चर में आपको ग्रुप की सारी थ्योरम समझ में आई होंगी और आप इन पे थोड़ी प्रैक्टिस बना लें और इस चीज को बहुत ध्यान रखें कि कैसे थ्योरम्स में हम लोग किस तरह से नोटेशंस यूज कर रहे हैं, लिखने का वे क्या है, उस पर एक आध बार प्रैक्टिस करें तो सारी थ्योरम्स हो सकती है। पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था, और वहां से इसको कनेक्ट करके अगर अच्छे से पढ़े तो सारी थ्योरम्स आप बहुत इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।